आज मैं आपको महाराष्ट्र के प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए प्रसिद्ध स्थलों में से एक प्लेस में लेके जा रहा हूँ। वहाँ के पहाड़, वहाँ के जंगल आपको यहाँ आने के लिए मजबूर करेंगे। द डार्क फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंदरबन जंगल ट्रेक और कुंडलिका वैली। सो आइए मेरे साथ, करते हैं इन जगहों को एक्सप्लोर। वेलकम बैक टू लिसन राइड। आज का वीडियो बहुत अलग बनने वाला है, बहुत ही अलग है, क्योंकि ये कोई मोटो ब्लॉग नहीं है, ये नॉर्मल ब्लॉग है जिसपे हम आ जाए हैं कुंडलिका वैली, जहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉइंट है और यहाँ पे ना अंदरमन जो जंगल ट्रेक होता है वो भी यहाँ पे है। सो यहाँ पे सुबह आने की जर्नी हमारी 5 बजे की थी। 5 बजे मैंने मुंबई से बाइक राइड स्टार्ट की। बाइक राइड आपको कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि ना बारिश बहुत थी, और उसके बाद मुंबई से आते वक्त आपको मैं आया था मुंबई से पनवेल, फिर पनवेल के बाद खालापुर, खालापुर के बाद खोपोली, खोपोली के बाद लोनावला, लोनावला के बाद फिर अपना आया बुशीरैम, जो ये सब पॉइंट देखते हुए मैं आया बुशीरैम, बुशीरैम के बाद फिर आगे टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट के आगे लाइंस पॉइंट, टाइगर पॉइंट, फिर कोरीगोर का जो रोड है अम्बे वाली सिटी, वहाँ से फिर सीधा सीधा आना है और वही रूट पकड़ के आना है तेलबेला, तेलबेला के बाद आगे ऐसे आपको ना पूरा पैच मिलेगा और वो पैच करते करते आप यहाँ पर आ सकते हो। और ये रूट बहुत अच्छा है, मतलब ना इतना अच्छा है ना कि यहाँ पे ना आपको ना मतलब लगेगा कि भाई कश्मीर में आए हो, मतलब अलग ही लेवल का। यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, फॉगी है, सब है, देख सकते हो। ये देखिए पूरा फॉगी क्लाइमेट है पूरा, मतलब अभी जस्ट यहाँ पे ना बारिश भी आई। मैंने जब जो गुट्ठा खाया था, और गुट्ठा यहाँ से लिया था मैंने जो 50 रुपीज़ का था, और वहाँ पर मैंने भाजी अभी ऑर्डर की है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी का जो क्लाइमेट है, और उसमें हम क्या खाने वाले हैं, मक्का। ये देखिए यहाँ का क्लाइमेट देखिए, जस्ट यहाँ पे खुला था और अभी फिर से पूरा फॉग आ गया। और बेसिकली यहाँ का जो एंट्री फीस है वो 140 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसके ऊपर आपको ये जो कुंडलिका वैली प्लस अंदरबन ट्रैक, मतलब ये दोनों आपको उस 140 के जो चार्जेस है उसमें आपको लेना होगा 140 पर पर्सन। तो चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इस प्लेस को, और इस प्लेस के बारे में आपको और जानकारी देता हूँ। देखिए देखिए मेरे पीछे देखिए क्या फॉग आ गया, फिर से फॉग आ गया, और हवा बहुत है यहाँ पर, बहुत हवा आ रही है यहाँ पर। सो हमारी कांदा भाजी आ चुकी है, ये देखिए, और बारिश भी आ गया है कांदा भाजी प्लस बारिश, दोनों का कॉम्बिनेशन, वाह। ये देखिए बारिश आ गई, चलो खाते हैं। मस्त बनो ले, गरम गरम है। सो गाइस यहाँ से एंट्री करने के बाद वहाँ पे हमारी पार्किंग है, जहाँ से हमने बाइक पार्क की है वो आपको दिखा दो बाद में। तो बाइक पार्क करने के बाद यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है यहाँ पे, और यहाँ से फिर अंदर जो व्यू पॉइंट है वो वहाँ पे है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट भी बोलते हैं उसको, और कुंडलिका व्यू पॉइंट बोलते हैं। सो गाइस ये देखिए यहाँ का ये व्यू पॉइंट है, और एक वहाँ पे है। कुंडलिका वैली एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्थान है। ये वैली सह्याद्री पर्वतमाला से बहती हुई कुंडलिका नदी के अतिक्रमण से बनी है, जो अरब सागर की ओर बहती है। ये नदी महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव बीरा से निकलती है, जो मुंबई से 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कुंडलिका वैली मुंबई और पुणे के चारों ओर के आश्चर्यजनक और रोमांचकारी स्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त कर रखा है। ऐसे स्थानों में आंदरबन ट्रेक, मतलब डार्क फॉरेस्ट, डार्क जंगल फॉरेस्ट ट्रेक, देवकुंड वाटरफॉल, कोलार वाटर राफ्टिंग, लोहगढ़ किला, राजमाची पॉइंट, तामिनी घाट शामिल है। ये एक अजीब स्थान है जहां दो बड़े पहाड़ी दीवारों द्वारा अलग किए गए एक संकीर्ण वैली है। कुंडलिका वैली हर साल अनेक पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने, थ्रिल से भरी गतिविधियों का अनुभव करने और अपने आप को प्रकृति के संग विश्राम करने के लिए यहाँ आते हैं। तो अभी जस्ट कुछ पलों में ही यहाँ पे ना पूरे फॉग आ गए, देखे मतलब इतना अच्छा व्यू था, पूरा व्यू छुप गया अभी बादलों में, और कुछ इस तरह व्यू दिख रहा है अभी। ये देखिए सो गाइस यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, दूसरे स्पॉट पे जा रहे हैं, और वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वहाँ का थोड़ा सिनेमेटिक शॉट दिखाएंगे। तो चलिए जाते आगे। सो अभी हम आए दूसरे व्यू पॉइंट पे, जो है इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट, और यहाँ पे ना
कुछ इस तरह आपको स्पॉट दिखेगा जहाँ पे आपको एक रॉक है, एक उसके ऊपर खड़े रह के ये लोग ना फोटो वीडियो रील यहाँ का ज़्यादा वायरल हुआ है। तो ये वाले स्पॉट पे भी हम आए, देखिए कैसे दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से एक वाटरफॉल जा रहा है नीचे, और वहाँ पे जाने के लिए ऊपर से रास्ता है, और यहाँ से भी पास करके जा सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी एक पॉइंट है। क्लाइमेट देखिए क्या बनते जा रहा है अभी। सो गाइस अभी जस्ट यहाँ पे बारिश आ चुकी है, आके गई है, और इतनी बारिश आ गई ना, देखो पानी देखो पीछे, ये पूरा ना फोर्स बढ़ गया पानी का, और ये देखो क्लाइमेट तो पूरा फॉगी और क्लाउडी। तो अभी यहाँ से ना हम लोग निकलेंगे, और एक जगह है वहाँ पे जाके आपको वहाँ का भी स्पॉट दिखाएंगे। ये वाला व्यू भी अच्छा ही था यहाँ पे, और सामने ना पूरे एक लंबा सा वाटरफॉल था। यहाँ पे भी अच्छे खासे हमने रील शूट किए, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, नीलेश कदम राइट। चलिए मिलते आगे। सो गाइस देखिए यहाँ पे ना पार्किंग की कुछ इस प्रकार व्यवस्था की गई है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे ना लाइन से सब कार बाइक और बस भी सब पार्क करने के लिए बहुत बड़ी जगह है। और ये व्यू पॉइंट ना पहले ना फ्री था, सबके लिए फ्री था, अभी एक महीने पहले ही इसका 140 पर पर्सन चार्जेस चालू किए। सो लेट्स सी, यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था भी हो जाएगी उसके बाद, और यहाँ पे पार्क करके आपको जाना है वहाँ से अंदर, जो आपने अभी मेरे चैनल पे देखा था व्यू पॉइंट। तो यहाँ से भी हम जाने वाले दूसरे स्पॉट पे, लेट्स सी वो कैसा है स्पॉट अभी। सो गाइस जहाँ पे हम गए थे कुंडलिका वैली का जो व्यू पॉइंट था, वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की है। वहाँ से पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे, और उसके बाद है ना वहाँ पे अंदरमन का जो जंगल ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए ना यहाँ पे देखिए थोड़ा ये डैम व्यू है, और उसका ओवरफ्लो जो पानी होता है उसके बाद वो पानी पूरा रॉक पैच के थ्रू नीचे आ रहा है। तो वो जो रॉक पैच है वो यहाँ से बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, मतलब इतना अमेजिंग दिख रहा है कि हमें ना बाद में फॉग के वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर अलग अलग ही दिख रहा था, पर अभी देखो और क्लियर हो गया है। ये व्यू मैं आपको आगे से दिखाता हूँ जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तभी। सुबह यहाँ पे अभी जस्ट फिर से बारिश आ गई थी और पूरा फिर से भिगा के गई, और यहाँ का देखो क्लाइमेट देखो, मतलब यहाँ का जो ये व्यू है वो एंजॉय कीजिए। ये देखिए ये व्यू यहाँ का, देखिए वाव, पूरा ये डैम ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी पूरा नीचे आ रहा है, और ना बाहर से जो व्यू दिख रहा है और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो अलग ही लेवल है। देखिए फॉग आ गए। सो गाइस फिर से आ गया बारिश और फॉग, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन के देखे क्या बढ़ गई बारिश। ये देखिए मेरे सामने, और ये रहा मिनी बुशी डैम। यहाँ से बुशी डैम ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर भी ये बुशी डैम से कम नहीं है, बुशी डैम को भी टक्कर देगा इतना अच्छा, मतलब यहाँ पे और लोग बहुत कम है, तो ये अनएक्सप्लोर प्लेस है, यहाँ पे आप ज़रूर आना। सो गाइस सामने देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ से लेके वहाँ तक थ्री लेयर के आसपास वो वाटरफॉल है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदरमन जो ट्रैक है जंगल ट्रैक वो करके एक दो वाटरफॉल है, दो तीन वाटरफॉल है वो देखने जा रहे हैं। और यहाँ का क्लाइमेट देखिए पूरा बारिश पानी भरा हुआ है देखिए हर जगह पे। सो जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको ना कुछ ऐसे वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, और आगे देखिए ऊपर वहाँ पे लाइन से वाटरफॉल है। सो ऐसे कुछ हिडन और अनगिनत वाटरफॉल देखते हुए हम जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से करते वाटर क्रॉसिंग। ये देखिए क्रैप क्रैप खेपड़ा खेपड़ा देखिए
उसको एंजॉय करने दीजिए। और देखिए और भी सामने यहाँ पे वाटरफॉल है यार, पता नहीं आपको कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को, पर पैसा वसूल। सो गाइस ये देखिए, जैसे बारिश थोड़ा कम हो गया ना और थोड़ा फॉग कम हो गया, यहाँ पे लाइन से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब अनगिनत वाटरफॉल है यार। ये जितना भी आपको ये दिख रहा है माउंटेन, उन सब पे ना अनगिनत, वो भी बड़े बड़े वाटरफॉल है। बारिश यहाँ पे हर वक्त आ रही है जा रही है, तो इस वजह से ना वाटरफॉल की ना यहाँ पे मतलब कमी नहीं है। आप आओ और एंजॉय करो, बस यहाँ का एक ये फंडा मैंने एक सीख लिया है। सो गाइस सामने देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ से लेके वहाँ तक 3 लेयर के आसपास वो वाटरफॉल है। अंधरबान जंगल ट्रेक एक रोमांचकारी पर्यटन स्थल है जो महाराष्ट्र के जिले में स्थित है। ये ट्रेक प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, धुंधली नदियाँ और चारों ओर फैले वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अंधरबान जंगल ट्रेक वास्तविक अनुभव का एक आदर्श स्थल है जहां आपको जंगली प्राकृतिकता का संगम मिलेगा। यहां ट्रेक करते समय आप घने जंगलों में घूम सकते हो, धुंधली नदियों के आवासीय किनारों पर चल सकते हो। ये ट्रेक प्राकृतिक आत्मसात करने, मन को शांत करने और ताजगी की तलाश में आगे बढ़ने के लिए आदर्श है। अंधरबान जंगल ट्रेक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आपको खुले आकाश के नीचे वन के रास्तों पर यात्रा करने का मौका देता है। अंधरबान जंगल ट्रेक एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में अपना उच्च महत्व रखता है जो प्रकृति के प्रेमी और ट्रेकिंग उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। अगर आप एक प्राकृतिक और रोमांचक अनुभव के लिए तत्पर है तो अंधरबान जंगल ट्रेक आपके लिए एक मनोहारी यात्रा हो सकती है। ये ट्रेक आपको नए और अनूठे अनुभवों का अवसर प्रदान करेगा। अंधरबान जंगल ट्रेक के दौरान आप अपने साहसिक रूपों को पहचानेंगे और अपनी भूमिका छोड़कर अपने आप को प्राकृतिक आश्रय में समाने का अनुभव करेंगे। ये आपको स्वयं के साथ कनेक्ट करने और आपकी मनोदशा को स्वस्थ बनाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। इस ट्रेक के दौरान आप अपने साथी यात्रियों के साथ दोस्ती करेंगे, टीम वर्क करेंगे और एक दूसरे का साथ देकर चुनौतियों का सामना करेंगे। ये आपकी सहनशीलता और विश्वास को मजबूत करेगा और आपकी नई क्षमताओं का अनुभव कराएगा। ट्रेक के दौरान आप अपनी आत्मा को शांत करने का अनुभव करेंगे। अंधरबान जंगल ट्रेक संघर्षपूर्ण अनुभव भी हो सकता है। इस प्रकार अंधरबान जंगल ट्रेक आपके लिए एक पूर्णतः रोमांचकारी और अद्वितीय अनुभव हो सकता है। सो गाइस ये देखिए, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, आपको ना लाइन से ना कुछ वाटरफॉल दिखेंगे। तो ये देखिए, ये तो यश शुरुआत है और पिक्चर भी बाकी है। लाइन पे देखिए, उधर सब वहाँ पे वाटरफॉल है, ये सब हमारे रूट में आने वाले हैं। और बहुत सारे लोग अभी जो गए थे वो अभी आ रहे हैं। और यहाँ से कुछ 1 घंटे का जर्नी है, टोटल 4 किलोमीटर के रेंज में सबसे बड़ा जो फेमस वाटरफॉल है यहाँ का, वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये देखिए, हमें जाना है वहाँ पे, और मतलब और आगे जाना है और वहाँ से जाना है। देखिए लाइन से बहुत सारे वाटरफॉल है, हम सिर्फ वाटरफॉल देखते और उसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। झगड़ा वरुण पाइप सर्किल संभालून, ये देखिए प्रॉपर जो जंगल ट्रैक है वही हम कर रहे हैं। और तो गाइस इसकी जो एंट्री है वो टोटल 140 रुपीज़ है, जिसमें आपको जो हमने पहले जो स्पॉट किया वो स्पॉट और ये स्पॉट दोनों स्पॉट करने मिलेंगे। और ये देखिए वाटरफॉल, इसी वाटरफॉल को, ऐसे ही वाटरफॉल को हम एंजॉय करते हुए जाने वाले आगे लाइन से। एक्चुअली ये तो हमारे प्लान में नहीं था कि हम ये करेंगे करके, हम सिर्फ आए थे वो कुंडलिका वैली हम देखने आए थे और ये देखते हुए जा रहे हैं आगे। देखिए पूरा ऊपर से पानी तो अलग ही लेवल का आ रहा है, मतलब पूरा दूधसागर वाटरफॉल ही बोल सकते हैं आप इसको। ये है महाराष्ट्र का दूधसागर वाटरफॉल। देखिए गाइस, ऐसे ही वाटरफॉल सब नीचे आता है और यही जो पानी है ये जाता है देवकुंड वाटरफॉल के लिए, यहाँ से जाता है प्लस वैली के लिए, यहाँ से जाता है सीक्रेट प्लेस के लिए। मतलब ये सब यही पूरा जो पानी है यही आगे जाके देवकुंड को मिलता है। और इसलिए देवकुंड का पानी ना कभी कम नहीं होता, क्योंकि ये सब इतने सारे वाटरफॉल उसको भर देते हैं। तो वाले देखिए, अभी प्रॉपर अभी जंगल ट्रैक स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हमें जंगल में से चलना है
एक वाटरफॉल जाके 5 मिनट भी नहीं हुआ और हम दूसरे वाटरफॉल के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे एक वाटरफॉल है प्लस उसके आगे एक वाटरफॉल है, ऐसे कर कर के अभी ये हमारा चौथा वाटरफॉल हो गया। एक तो छोटा वाटरफॉल बीच में था और अभी ये वाला एक वाटरफॉल है। देखिए रश हो गया, यहाँ पे लाइन बढ़ गई है। यहाँ पे सेफ्टी के लिए दिल्ली के रश देखिए, सैटरडे फिर भी इतना गर्दी यहाँ पे। आज ये लाइन खत्म नहीं होने वाली, आज हम भी इसी लाइन में लगने वाले बाद में। देखिए और एक वाटरफॉल है, ये कुछ पांचवा वाटरफॉल है अभी। तो ऐसे ही अनगिनत वाटरफॉल को हमें देखते हुए जाना है आगे, बने रहिए। तो भाई जैसे आगे आगे जा रहे वैसे और भीड़ हमें मिल रही है और लाइन बढ़ रही है, तो आने वाली पब्लिक और जाने वाली पब्लिक इतना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो भाई जहाँ से पानी आ रहा है ना उसी रास्ते से हम जा रहे हैं अभी। तो अगर आप भी आओगे तो आपको ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट रोड नहीं है, आप जिस रोड से पानी जा रहा है जिस वे से उसी वे में आपको जाना है आगे। देखिए जैसे ही धीरे धीरे आगे जा रहे हैं क्लाइमेट क्लाउडी होते जा रहा है, मतलब क्लाउड से भर रहा है। आगे एक वाटरफॉल है जो कि हमें अभी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो अभी उस वाटरफॉल के पास हम जाएंगे। अभी ट्रैक रूट है बहुत कंजेस्टेड है, मतलब सिंगल लेन टाइप है जहाँ से एक बंदा एक ही बार जा सकता है। देखिए सो गाइस, देखिए सामने एक वाटरफॉल है और यहाँ से नीचे से भी एक जो आवाज़ आ रहा था, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है और क्या क्लाइमेट हो गया अभी, ऊपर से हवा भी छूटी है। सो गाइस देखिए और एक वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल है पर खुशियाँ बहुत सारे देख के जा रहे हैं हमें। वाटरफॉल कोई भी हो खुशियाँ तो आती है, तो यही खुशियाँ हम समेट के आगे जा रहे हैं। और ये देखिए क्या क्लाइमेट हो चुका है यहाँ पे। तो अगर आप वीडियो पे बने अभी तक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। तो गाइस देखिए लाइन बढ़ गई फिर से और आगे आए हमारा वेटिंग का टाइम। तो गाइस यहाँ पे ना एक पैच है जहाँ पे ना लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो ना सब रुके यहाँ पे लाइन से। देखिए उतरने के लिए एक मतलब सिंगल लेन ही बोल सके। वाटरफॉल का क्रॉसिंग है तो थोड़ा सा रिस्क है अगर फ्लो बढ़ गया तो। पंद्रह बीस मिनट वो लाइन में लगने के बाद अभी हम यहाँ आ चुके हैं इस साइड। तो देखिए ये वाटरफॉल का फ्लो अगर बढ़ गया तो फिर आने जाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो साइड से इस तरह आना पड़ता है। और चलिए अभी जाते आगे। फिर से 15 मिनट चलने के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं और एक वाटरफॉल के यहाँ पे जो कि ये है, देख सकते हो जो हमें स्टार्टिंग में दिखा था ना उसी का ही एक लेवल बोल सकते जो दिखने में है। और ये देखिए यहाँ से भी लोग जा रहे हैं इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे जो वाटरफॉल है उसका एक छोटा सा व्यू दिखाए, उस व्यू पॉइंट के यहाँ पे जा रहे हैं ना। यहाँ पे रुके थे और हमने दो तीन लोगों को पूछा कि आगे जाके आगे क्या है करके, तो उन्होंने बोला कि आगे सेम जो ये दिख रहा वाटरफॉल ऐसे ही वाटरफॉल है,
तो आगे भी क्या ही देखो देखोगे, तो यहीं पे एंजॉय करो, निकलो। हम लोग यहीं पे थोड़ा एंजॉय किए और यहाँ से भी आगे जा रहे हैं, मतलब रिटर्न जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से अभी वही रूट है हमारा, आगे को जो वाटरफॉल था वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट। तो गाइस यहाँ का ना ये जंगल ट्रेक है ना, मतलब है अच्छा है, पर आपको ना पूरा व्यू जो देखने मिलेगा वो यही मिलेगा, पूरे ट्रैक में भी देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको वाटर क्रॉसिंग है, हर वक्त वाटर क्रॉसिंग करने मिलेगी। और ये देखिए फिर से उसी पैच पे आ गए जहाँ पे हमने 20-25 मिनट रुक के ये पैच मतलब पार किया था, अभी फिर से वहीं पे जा रहे हैं। लोग अभी अलग अलग वे से भी निकलना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे सामने एक ना बड़ा वाटरफॉल है, मतलब अच्छा खासा फ्लो है, तो हम वहाँ पे जाके थोड़ा सा एंजॉय करने वाले और फिर निकलेंगे। 5 मिनट पहले यहाँ पे कोई नहीं था और 5 मिनट के बाद देखो पूरा गर्दी रश हो गया मतलब क्या है ये तो गाइस अभी जस्ट ना मैं यहाँ पे जो वाटरफॉल आपको बोला था वहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ का व्यू आप देख के पागल हो जाओगे। ये देखिए क्या ही व्यू आ रहा है यहाँ से, देख सकते हैं आप। जब एंट्री की थी तभी ना यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे ना आपको यहाँ की जो फीस है वो फीस पे करके अंदर जाना होता है। तो यहाँ के जो फीस है वो 140 एडल्ट है, चिल्ड्रन अप टू 5 to 12 ईयर्स 70 रुपीज़ है, और फॉरेनर 280 है चाइल्ड, 140 एडल्ट चाइल्ड का, और इंडियन का अगर कैमरा रहेगा तो 195 390 इसका, और बाकी ये सब शुल्क है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वो टिकट लेके अंदर जाना रहता है। और ये देखिए क्लाइमेट देखिए, सुबह से यही क्लाइमेट है, इसी क्लाइमेट को हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि सिनेमैटिक कैसे लगे, क्योंकि इसके जो गोप्रो के सिनेमैटिक है प्लस आईफोन के सिनेमैटिक्स है वो दोनों मिक्स किए हैं, और यहाँ पे ना अभी भी बारिश हो रही है, तो ये बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी यहाँ से हमें ना मतलब लोनावाला से जाना है मुंबई, तो टोटल 3.5-4 घंटे की जर्नी है। लेट सी 6 बजने आया, 5-6 बजने आया, 5 बजने आया, और बारिश देखो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।